अथ कौन चत्वारिंशो अध्याय शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि का वर्णन। ऋषय उचु पाम 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 पा मारे 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 मा पाम मा मारे नी नी सा पाम पा मारे नी ध नी ध प सनी सरे रे रे सनी ध प मग उद्यापन विधिं ब्रूहि शिवरात्रि व्रतस्य च यते त्वा शंकरः साक्षात् प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। ऋषिगण बोले हे सूत, अब आप शिवरात्रि व्रत के उद्यापन का विधान कहिए जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। सूत उवाच श्रूयताम ऋषयो भक्त्या तदुद्यापन सूजी बोले हे ऋषियों, आप लोग उसके उद्यापन को भक्ति पूर्वक सुने जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। चतुर्दशाप्तम कर्तव्यम शिवरात्रि व्रतम शुभम एक भक्तम त्रयोदशम चतुर्दशम पोषणम। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि दिने प्राप्ति नित्यं संपद्यमे विधिं शिवानायं ततो गत्वा पूजां कृत्वा यथाविधि ततश्च कार्ये दिव्यं मंगलं तत्र यत्नतः गृहीति शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वहाँ प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल का निर्माण कराना चाहिए जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच में लिंगतो भद्र मंडल बनाना चाहिए अथवा मंडप के अंदर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहाँ पर वस्त्र फल एवं दक्षिणा सहित प्रजापत्य संगत शुभ कलशों को स्थापित करें और उन्हें मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में सुवर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करें। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की सुवर्ण में मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर शिव की प्रतिमा रखकर प्रति रात्रि में पूजन करें। चार्यं वरये तत्र तत्विक्ति सहितं शुचिं अनुज्ञातशुतान् भक्त्या शिव पूजां समाचरे रात्रो जागरणं कुर्यात् पूजां यामुतवां चरन् रात्रिमाक्रमये सर्वं गीतनृत्यदिनावती। पवित्र आचरण करने वाले ऋत्विजों सहित आचार्य का वर्ण करें और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिवार्चन प्रारंभ करें। पति को चाहिए कि रात्रि में जागरण करें और प्रत्येक प्रहर की पूजा करते हुए गीत नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करें। हे
शिवं संपूज मे देवं संतोष्य प्रातरेव च पुनः पूजां ततः कृत्वा होमं कुर्यदाविधि यथा शक्ति विधानं च प्रजापत्यं समाचरे प्रमाणान् मोजये प्रीत्या यज्ञानं कृतम्। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव को संतुष्ट करके पुनः प्रातः काल होने पर पूजन कर यथाविधि हवन करे, यथाशक्ति प्राजापत्य व्रत का विधान करे, प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान दे। संविधानेन यथोपस्कर संयुता उपाचार्य वैद्य शिवो मे प्रियकामिते। उसके बाद सपत्नी ऋत्विजों को वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर आचार्य को विधान के अनुसार वस्त्रे सहित सभी सामग्रियों से संयुक्त धेनु प्रदान करे। ततः स कुम्भां तनोति समस्तां वृषभे स्थितां सर्वालङ्कारसहिता वाचार्य। उसके अनंतर कलश वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित विषय पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करें। ततः संप्रार्थयेत्येव महेशान महाप्रभु कृतांजलिन स्कंध सुप्रीत्यागतदाक्षर देव देव महादेव करुणागत वत्सल प्रतिनारिन देवेश कृपां कुरु मम उपरि मया भक्त्यनुसारेण प्रथमे तत्कृतं शिव नूनं संपूर्णतां जातु प्रसादात् शंकर अज्ञानात् दिवाज्ञान जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करें। हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो, आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार यह व्रत किया है। हे शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने ज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। नमस्कारं ततः कुर्यत् प्रार्थना पुनरेव च। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करें एवं पुनः प्रार्थना करें। एवं व्रतं कृतं येन पुनरं तस्य न विद्यते मनोभीष्टं ततः सिद्धिं लभते नात्र संशय। हे ऋषि, इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई कमी नहीं रहती और वह मनोविधिष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम शिवरात्रि व्रतोद्यापनम नामक ओन चत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिवरात्रि व्रतोद्यापन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।